अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय देसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पटल आलू की सूखी सब्जी। फ्राई पैन गर्म हो गया, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया, उसमें डालेंगे दो सूखा मिर्चा, थोड़ा सा पचफोड़न। फोड़न चटक गया, उसमें डालेंगे एक प्याज, इसको हल्का लाल कर लेना है। प्याज हल्का लाल हो गया, इसमें डाल देंगे आलू पटल, डाल के फ्राई करना है स्वाद अनुसार। नमक डाल के फ्राई करना है। इसे चला के एक मिनट के लिए ढक देना है। एक मिनट हो गया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल के इसको अच्छा सा भून लेना है। अदरक लहसुन मेरा अच्छा सा भुना दिया, इसमें डालेंगे सूखा मसाला, एक चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। डाल के सबको भूनना है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं, भूनते हुए पकाना है, चूल्हा पकाना है भूनते हुए। देखिए आलू सब्जी बन के ही होगी। अब इसमें डालेंगे मेथी, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे टेस्ट अच्छा आ गया। डाल के अच्छे से मिला देना है, फिर इसको ढक देना है। एक मिनट हो गया, मेरा आलू पटल का सब्जी बन गया। आपको सर्व करके दिखाते हैं। पटल आलू का सूखी सब्जी बनके तैयार हो गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देसी किचन 728 को सब्सक्राइब कीजिए।